आइए अब यूज एंड रूल के बारे में जान लें कि अगर आपके एक ही सेंटेंस में तीनों प्रोनाउन आ जाए यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तो कैसे आप जानेंगे कि आपको कौन सा प्रोनाउन कब लिखना है। जैसे मान लीजिए अगर आपके एक ही सेंटेंस में तीनों प्रोनाउन आ जाते हैं और अगर वे सिंगुलर हैं तो आपका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आप लिखेंगे सेकंड पर्सन, फिर आप लिखेंगे थर्ड पर्सन, उसके बाद आप लिखेंगे फर्स्ट पर्सन, यानी सबसे पहले आप लिखेंगे यू, उसके बाद आप लिखेंगे ही, फिर आप लिखेंगे आई। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके सेंटेंसेस रॉन्ग हो जाएंगे। यहाँ मैं आपको एक खास बात बता दूं कि यू एक ऐसा प्रोनाउन है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, यानी यू एक ऐसा प्रोनाउन है जिसका इस्तेमाल हम एक इंसान और एक से ज्यादा इंसानों के लिए करते हैं। ये अलग बात है कि यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही आती है, यानी कभी सिंगुलर वर्ब नहीं लिखा जाता। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं जहाँ आपके एक ही सेंटेंस में तीनों प्रोनाउन आए हुए हैं, और चूंकि ये सिमिलर हैं इसलिए सबसे पहले मैंने लिखा है सेकंड पर्सन, उसके बाद मैंने लिखा है थर्ड पर्सन, फिर उसके बाद मैंने लिखा है फर्स्ट पर्सन, और यही तरीका है जो आपको फॉलो करना है। लेकिन अगर आपके सेंटेंस में आए प्रोनाउन प्लूरल है यानी बहुवचन में है तो आप ऐसा न करें, यानी जब आपका प्रोनाउन प्लूरल होगा यानी बहुवचन में होगा तो सबसे पहले आप लिखेंगे फर्स्ट पर्सन, उसके बाद आप लिखेंगे सेकंड पर्सन, फिर आप लिखेंगे थर्ड पर्सन। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं मैंने दो एग्जांपल्स लिखा हुआ है जहां मेरे सेंटेंस में आया प्रोनाउन प्लूरल है, इसलिए सबसे पहले मैंने लिखा फर्स्ट पर्सन यानी वी, उसके बाद मैंने लिखा सेकंड पर्सन यानी यू, उसके बाद मैंने लिखा थर्ड पर्सन यानी दे। तो अगर आपके सेंटेंस में आए प्रोनाउन प्लूरल हैं यानी बहुवचन में हैं तो आपका स्ट्रक्चर होगा 1 2 3 यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यहाँ पर आपको एक और कंसेप्ट समझ लेना चाहिए जहाँ अक्सर लर्नर कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो ये है कि जब आपके एक ही सेंटेंस में अलग अलग पर्सन आएंगे यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो इनका पजेसिव केस क्या होगा। यानी जैसा कि आप जानते हैं आई का पजेसिव केस माई होता है, यू का योर, ही का हिज, सी का हर, इट का इट्स, दे का देयर्स, लेकिन जब एक ही सेंटेंस में अलग अलग प्रोनाउंस आ जाएं तो उनका पजेसिव केस आप इस तरीके से लिखें। अगर आपके सेंटेंस में थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन आया हुआ है यानी तीसरा और पहला आया हुआ है तो उसके लिए आप आर का इस्तेमाल करें, यानी वी का पजेसिव केस आर का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर आपके सेंटेंस में आए हैं सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन यानी दूसरा और तीसरा, तो यहाँ पर पजेसिव केस होगा योर, यानी आप यू का पजेसिव केस योर का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके सेंटेंस में आया है सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन यानी दूसरा और पहला, तो इसका पजेसिव केस होगा आर, यानी आप वी का पजेसिव केस आर का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ मैं आपको लास्ट में बता दूं, अगर बाय द वे आपके सेंटेंसेस में तीनों प्रोनाउन हैं तो फिर आपका पजेसिव केस होगा आर, यानी इस सूरत में आप वी का पजेसिव केस आर का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि आप यहाँ एग्जांपल्स में देख सकते हैं कि लास्ट वाले सेंटेंस में तीनों पर्सन आए हुए हैं, इसलिए मैंने इनका पजेसिव केस लिखा है आर। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको शानदार तरीके से समझ में आया।